नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि यदि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन डिसमिस हो चुकी है तो पिटीशनर एंटाइटल है कि वो दोबारा से पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में उसी सेक्शन के तहत। आइए जानते हैं इस केस के बारे में डिटेल में। विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें रिट पिटीशन फाइल किया गया था, इसको सुना था जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने। इस केस के जो फैक्ट्स थे वो ब्रीफली ये थे कि जो पिटीशनर था विनोद कुमार वो आईएएस ऑफिसर था जिसके अगेंस्ट कुछ 27-28 केसेस थे और वो उसको क्वैश कराने के लिए पहले हाई कोर्ट में गया था जहां पर हाई कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, जिसके बाद विनोद कुमार ने रिट पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1974 के एक केस को रेफर करते हुए ये कहा कि यदि सेक्शन 482 के तहत कोई पिटीशन फाइल हुआ है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है तो ये किसी भी प्रकार से बार नहीं होगा कि पिटीशनर दोबारा से सब्सिक्वेंट पिटीशन फाइल ना कर सके। यदि उस केस के फैक्ट्स ये जस्टिफाई करते हैं कि दोबारा से पिटीशन फाइल किया जाना चाहिए तो वो एंटाइटल होगा कि वो दोबारा से पिटीशन को फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। इन ऑब्जर्वेशंस को देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि पिटीशनर एंटाइटल है कि वो सेक्शन 482 के तहत अपने खिलाफ एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और इस रिट पिटीशन के डिसमिसल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आइए अब बात कर लेते हैं उस केस की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा था। इस केस का नाम था सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंसर लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस मोहन सिंह, जिसको जस्टिस पीएन भगवती की बेंच ने डिसाइड करा था। इस केस के जो फैक्ट्स थे उसमें जो रेस्पोंडेंट नंबर वन था मोहन कुमार, वो एक सॉ मिल का मालिक था जिसमें लकड़ियों को फर्नीचर के लिए काटा जाता है, उसके लिए तैयार किया जाता है। 17 मई 1965 को एक लॉरी जिसमें भारी भारी लकड़ी के गट्ठे भरे हुए थे उसको रेस्पोंडेंट नंबर वन की मिल में अनलोड किया जाता है। इसको अनलोड कराने के लिए वहां के मैनेजर ने दो कुली को हायर करा था। जब ये अनलोडिंग का काम चल रहा था तो उनकी लापरवाही की वजह से एक लकड़ी का गट्ठा एक लड़की के सिर पे गिर गया था जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने रिस्पोंडेंट नंबर टू जो मैनेजर था, रिस्पोंडेंट नंबर थ्री जो ड्राइवर था और जो बाकी दो कुली थे उन पे सेक्शन 304A जो कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है और सेक्शन 109 आईपीसी इनके तहत एक एफआईआर को दर्ज करा। हालांकि बाद में इसमें रिस्पोंडेंट नंबर वन का नाम भी शामिल कर दिया गया था। अपने खिलाफ रजिस्टर्ड हुए इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए रिस्पोंडेंट नंबर वन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत पिटीशन फाइल करी और इस पिटीशन में उसने ये कहा कि एफआईआर को इस ग्राउंड पर क्वैश किया जाना चाहिए कि ये एफआईआर कोर्ट के प्रोसेस को एब्यूज करने के लिए किया गया है और इसलिए जस्टिस को सिक्योर करने के लिए इस एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर वन की इस एप्लीकेशन को 1968 में रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पर कि ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है या नहीं, इसको एविडेंस के द्वारा साबित किया जाएगा और अभी हाई कोर्ट केस के इस स्टेज पर इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती। हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर लगभग 1-1.5 साल तक इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर वन और रेस्पोंडेंट नंबर टू दोबारा से कलकत्ता हाई कोर्ट में जाते हैं ताकि उनके खिलाफ जो ये प्रोसीडिंग चल रही है उसको क्वैश किया जाए और इस बार हाई कोर्ट कन्विंस हो जाती है और वो रेस्पोंडेंट नंबर वन और रेस्पोंडेंट नंबर टू के खिलाफ जो एफआईआर था उसको क्वैश कर देती है। और एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट ये ग्राउंड देता है कि कोई भी प्रीमा फासी केस रेस्पोंडेंट नंबर वन और रेस्पोंडेंट नंबर टू के खिलाफ नहीं बनता और अगर इस प्रोसीडिंग को जारी रखा गया तो ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट होगा। कोर्ट के इस क्वैश किए जाने के ऑर्डर को स्टेट ने ऑब्जेक्ट करा और स्टेट ने ये कहा
कि क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही ऐसी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, इसलिए अब हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो दोबारा से इस पिटीशन को एंटरटेन करे और इसमें एफआईआर को क्वैश करे। और स्टेट ने हाई कोर्ट से परमिशन मांगी कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 134 के तहत, जिसको हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट की परमिशन के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस लीव अपील को अलाउ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस इशू को रेज किया गया कि जब हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने वाली अपील को डिसमिस कर दिया तो क्या उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो दोबारा से उसी एप्लीकेशन को कंसिडर करे और उसमें एफआईआर को क्वेश करे। इस इशू के आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट करा था कि अभी इसमें एविडेंस पेश होने हैं, और इस रिजेक्शन के बाद लगभग 1.5 साल तक इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, और इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने और 2 ने एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी हाई कोर्ट में ताकि इन प्रोसीडिंग को क्वेश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को डिस्कस करते हुए ये कहा कि सेक्शन 561A, जो कि अब सेक्शन 482 CRPC का है, उसमें हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर दिया गया है कि यदि हाई कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए और जस्टिस के एंड को सिक्योर करने के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन में जो हाई कोर्ट ने ये कंसीडर करा था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 के खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रहा है, क्या वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है और क्या ये आवश्यकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर को क्वेश किया जाए ताकि एंड्स ऑफ जस्टिस सिक्योर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें हाई कोर्ट कम्प्लीटली एंटाइटल है, उसको पूरा अधिकार है कि वो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन को कंसिडर करे और उस पर अपने ऑर्डर इशू करे। इन ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट परफेक्टली एंटाइटल था कंसिडर करने के लिए और इसमें कोई भी जुरिस्डिक्शनल इन्फर्मिटी नहीं है। और फाइनली ऐसे ही जजमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।